आदर्श आचार संहिता लागू होते ही दुर्ग पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। वहीं दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने बुलेट चलाकर आम जनता को आगामी चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। चुनाव आयोग ने दिल्ली की द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के परिपालन में दुर्ग जिला पुलिस बल द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में सभी राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों की मीटिंग लेकर चुनाव प्रक्रिया एवं चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के पालन करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके साथ ही शहर के सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च में पुलिस अधीक्षक दुर्ग के द्वारा बाइक चलाकर आम जनता को आगामी चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में निर्भीक होकर वोट डालने की अपील की गई। इस मौके पर फ्लैग मार्च विभिन्न स्थानों से होता हुआ गुजरता रहा। नहीं, नया रूप तो बोलना ठीक नहीं, पहले से ही कार्रवाई हमारी चल रही है। आचार संहिता लागू हुई है तो उसके संबंध में चर्चा करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को बताया गया था क्या करना है, क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और साथ ही साथ बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए क्या उपाय करने उनके संबंध में चर्चा की गई और निर्देश दिया गया। और उसके बाद एक बार शहर में जस्ट एक मैसेज देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि लोगों के मन में भाव रहे कि पुलिस जो है अलर्ट है और उनके बीच उपस्थित है। मैसेज है कि निडर होकर निष्पक्ष तौर पर चुनाव में भाग लें और सब अपने घर से निकल करके मतदान अवश्य करें और दुर्ग पुलिस और दुर्ग प्रशासन जो मतदान का प्रतिशत है उसको बेहतर बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमारे प्रयास में भाग लें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।